हेलो गाइस, आप सब लोगों स्वागत है क्लैश पॉइंट के एक नए एपिसोड में। तस्वीरों में बात करने वाले हैं एक नया इवेंट जो है कोलोसल कंटामिनेशन का। मैं जैसे कि आप देख सकते हैं मैं 6 बार अटैक कर चुका हूं और ये इवेंट थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस इवेंट को आपको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास ट्रेनिंग पोशन होनी चाहिए जो कि आप ट्रेडर से खरीद सकते हैं, आपको पता है, या फिर क्लैन गेम से आपको मिल गया होगा जो भी एंड हुई है। मेरे पास तो अभी 3 पड़े हैं, मैंने एक यूज कर चुका हूं। तो उसके लिए आपको एक आर्मी चाहिए होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं आर्मी 3 पे 8 जाइंट्स, 2 वॉल ब्रेकर। तो मैं आपको सीधा एक रिप्ले दिखा देता हूं। तो उसके लिए आपको देख सकते हैं 23 बलून है यहां पे और आपको 8 जाइंट चाहिए और 10 विजर्ड और 2 वॉल ब्रेकर और 2 रेज स्पेल और एक हील स्पेल और एक पॉइजन और एक आर्चर और एक किंग। तो आपको चाहिए होगा। तो रिप्ले स्टार्ट करता हूं मैं। मैंने यहां पे कोई भी क्लैन कासल का ट्रूप यूज नहीं करा है, तो ये बहुत ही जल्दी आप पूरा कर सकते हैं। मैंने 2 स्ट्रेटजीज बनाई है, एक हॉर्स राइडर की और एक बलून की। मुझे बलून वाली बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी तो इसलिए मैं इससे बहुत ही जल्दी कर सकता हूं। बैटरी लो हो रही है, कोई बात नहीं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां से सबसे पहले आपको एक आर्चर ड्रॉप कर देनी है बिल्डर हट पे और यहां पे आपको सारे बलून छोड़ देना है थोड़ी दूरी से आगे पीछे करके। सारे को एक साथ मत छोड़ना वरना तो लफड़ा हो सकता है। तो ऐसे चलते रहेंगे धीरे-धीरे, फिर एकदम से आपको थोड़ी देर में ही जैसे ये अंदर आ जाए तो आपको रेज स्पेल डाल देना है। एक रेज स्पेल डालने के बाद आपको यहां पे फिर एक और रेज स्पेल डालना पड़ेगा इधर ही साइड जहां पर एयर डिफेंस हो और फिर इधर ही साइड जहां पे भी आपको लगे मर रहे हैं तो आपको यहां पे हील स्पेल भी डाल देना है क्योंकि 2 रेज स्पेल और 1 हील स्पेल चाहिए हमें। फिर हमें आपसे बहुत सारे जायंट छोड़ देना है, वैसे जायंट्स की कोई जरूरत नहीं पर इवेंट पूरा करने क्या कर सकते हैं। फिर यहां पे आपको एक अपना किंग छोड़ देना है और यहां पे अपने सारे आपको विजर्ड छोड़ देना है। ये देखिए आप इससे 2 स्टार तो ले ही सकते हैं कम से कम, क्योंकि 3 स्टार स्ट्रेटजी नहीं बना पाया इतनी जल्दी, मतलब कि जायंट से 3 स्टार स्ट्रेटजी पूरी करनी आसान है पर 8 जायंट से मुश्किल है थोड़ी सी। तो इसलिए मैंने ये 2 जायंट 2 स्टार वाली स्ट्रेटजी बनी। तो सब कम से कम पूरा तो हो ही जाएगा आपका इवेंट बहुत जल्दी अगर आप ट्रेनिंग पोशन यूज करोगे तो। तो ये देख सकते हैं ये डायरेक्ट टाउन हॉल उड़ने जा रहा है और ये देखिए हमारे विजिटर्स मर रहे हैं, कोई बात नहीं मैं इसको स्किप कर देता हूं जल्दी। तो 2 स्टार हो चुके हैं, 61% हो चुकी है और हमारा अभी तक किंग भी जिंदा है और मैंने इसकी एबिलिटी यूज कर दी। ये देखिए सब कुछ मार रहे हैं, सबको फोड़ रहे हैं। तो यहां पे हमने 73% तो हम तोड़ ही चुके हैं, मतलब कि 9 ट्रॉफीज आ चुकी है और इससे आपकी ट्रॉफीज भी बड़ी जल्दी पुश हो जाएगी। आप पहले इसको इवेंट को पूरा कर लो फिर आप जैसी मर्जी खेलते रहो। ये फिर इसके बाद एक और स्ट्रेटजी है हॉग राइडर वाली, तो देख सकते हैं आप ये हॉग राइडर स्ट्रेटजी। इसमें आपको 8 जायंट चाहिए, 3 वॉल ब्रेकर और 10 विजर्ड और 10 हॉग राइडर और 2 पैका और 1 हीलर। तो सबसे पहले आपको यहां पे सारे जायंट छोड़ देना है अपने और आपको स्पेल्स चाहिए होंगे एक हील स्पेल और 2 रेज स्पेल। तो यहां पे पीछे से आपको हॉग राइडर छोड़ देना पहले विजर्ड्स और सबसे पहले जायंट्स, फिर इसके बाद आपको एक रेज स्पेल डालना है यहां पे, फिर यहां पे हॉग राइडर पे आपको एक हील स्पेल देना है और फिर इसके बाद आपको 2 पैका छोड़ देना है पीछे से और बर्बेरियन को हील कर बर्बेरियन किंग को हील करने के लिए आपको हीलर डाल देनी है। ये देखिए जैसे मैंने डाल दिया, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूं। तो पॉइजन स्पेल आपको ट्रेन करना है या फिर आप कर मर्जी आपको कोई सब स्पेल कर सकते हैं डार्क स्पेल में से। तो ये देख सकते हैं यहां पे हमारा टाउन हॉल भी हमने उड़ा दिया, सब कुछ खत्म है देख सकते हैं। ये हमारे देख रहे हो बल्बेरियन को भी ये हील कर रही है हीलर और हमारे जायंट्स मेंटल कहीं के इधर-उधर जा रहे हैं मरने दो इन्हें। ये देखो 62% हो गया हॉग राइडर वाला, पर ये हॉग राइडर वाला जब बूस्ट भी करोगे ना आप लोग तो जब भी ये टाइम लेगी, मलयाली जो स्ट्रेटजी है बूस्ट करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जो मैंने आपको लून वाली स्ट्रेटजी बताई है उसी को यूज करना, वो बहुत ज्यादा आसान है। उस सब जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको खत्म कर सकते हैं इवेंट को। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना भूलना मत, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।